यहाँ पर आपको क्वेश्चन 8 सॉल्व करके दिखाएंगे एक्सरसाइज 1.3 का। अभी तक एक्सरसाइज 1.3 में प्रॉब्लम सॉल्व कर चुके हैं थ्योरम फर्स्ट एंड थ्योरम सेकेंड। फिर बात करते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन 7 तक इतनी प्रॉब्लम हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं कंप्लीट किए हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर सबसे पहले देखें और कंप्लीट कर लें। आपको ये पता है कि एक्सरसाइज 1.3 का 1x1 क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन सॉल्व किए थे एक्सरसाइज 1.1 की बात करते हैं, एक्सरसाइज 1.2 की बात करते हैं, तो दो एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और 1x1 क्वेश्चन सॉल्व किए थे A to Z विद एग्जांपल। अगर आप लोगों ने कंप्लीट नहीं की है एक्सरसाइज 1.1 एंड एक्सरसाइज 1.2 तो कंप्लीट कर लेना प्लेलिस्ट में जाकर, ठीक है। और आपको ये पता है कि चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन, अगर आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या इस चैप्टर की बात करते हैं रिलेशन एंड फंक्शन के, आपको स्टार्टिंग से ही पढ़ना पड़ेगा तभी आपको समझ में आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो इस वीडियो में आपको क्वेश्चन 8 सॉल्व करके दिखाएंगे, तो क्वेश्चन 8 पढ़ लेते हैं। इसमें गिवन क्या है और हमसे क्या मांगा गया है, तो यहाँ पे क्या लिखा है देख लो आप लोग, कंसीडर एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू फिर 4, इनफाइनाइट। ये जो पहले आर प्लस है इसका मीन्स है आपको पॉजिटिव ही वैल्यू लेना है, मीन्स 0 या 0 के आगे वैल्यू आपको सारी लेना है। और जो बाद में सेट है इस सेट में अगर वैल्यू यूज करेंगे तो आपको कहाँ से कहाँ तक लेना है, 4 या 4 से ग्रेटर वैल्यू हम यूज कर सकते हैं इस सेट में। अगर हम बात करते हैं ये मैपिंग है, मैपिंग में जो पहले सेट है ये भी इनफाइनाइट सेट है और जो बाद में सेट है ये क्या है इंटरवल है, यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे क्या है ओपन, तो ये इंटरवल जो है इनफाइनाइट ही है क्योंकि 4 या 4 से ग्रेटर वैल्यू आपको लेना है वो भी डेसिमल, ठीक है। आगे क्या लिखा है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4 सो दैट एफ इज इन्वर्टेबल। तो आपको यहाँ पे बता दिया गया है कि जो फंक्शन एफ है प्रूव करना है इन्वर्टेबल, आगे लिखा भी है विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन वाई एफ इनवर्स इक्वल वाई माइनस 4 रूट के अंदर। तो आपको पहले क्या करना है प्रूव करना है इन्वर्टेबल फंक्शन, फिर सेकेंड आंसर सीट आपको एफ इनवर्स भी फाइंड करना है। आगे बता दिया गया वेयर आर प्लस जो यहाँ पर है मैपिंग में बता दिया गया इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो यहाँ पर आपको नॉन नेगेटिव दिख रहा है इसका मीन्स है आर प्लस में नेगेटिव वैल्यू नहीं ले सकते हो। जैसे आपको हम यहाँ पे बता देते हैं ये क्या है रियल लाइन इसको बोलते हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं रियल लाइन, तो यहाँ पर आपको रियल नंबर देखना है, ठीक है। यहाँ पे हमने 0 ले लिया, अब आपको 0 के राइट लेना है वैल्यू, 0 के जब राइट वैल्यू लेंगे तो प्लस की ही लेना है आपको, ठीक है। और कहाँ तक प्लस इनफाइनाइट तक, अब 0 के लेफ्ट जो वैल्यू हम लेंगे तो नेगेटिव की वैल्यू आपको लेना पड़ेंगे तो माइनस इनफाइनाइट तक। लेकिन यहाँ पर जो आर प्लस है मैपिंग में पहले साइड तो बता दिया गया है कि नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो इसका मीन्स है 0 के नियरेस्ट ये आपको नहीं लेना है वैल्यू, आर प्लस में आपको 0 के राइट जितनी वैल्यू हैं प्लस इनफाइनाइट तक ले सकते हो, ठीक है। ये तो हमने बता दिया आपको आर प्लस का मीन्स, ये भी आपको पता है, ये तो पहले ही बता दिया है। आपको प्रूव करना है इन्वर्टेबल फंक्शन, तो इन्वर्टेबल अगर फंक्शन प्रूफ करना है तो सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, फंक्शन 1 एंड 2। देखो यहां पे इफ एफ इज ए 1 एंड 2 फंक्शन, तो यहां पर जो हमने लिख दिया है ये आपको दिख रहा होगा, अगर एफ क्या है 1 एंड 2 फंक्शन है तभी आप डायरेक्ट लिख सकते हो एफ क्या होगा, देन एफ इज ए इनवर्टेबल फंक्शन।
ये हमने आपको पहले वीडियो में बताया था, एक्सरसाइज 1.3 का जो पहला वीडियो हमने अपलोड किया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, ये रूल आपको मिल जाएगा वहाँ पे। फिर भी आपको 1x1 क्वेश्चन सॉल्व करवा रहे हैं और हर क्वेश्चन में बताते रहते हैं कि अगर इनवर्टिबल फंक्शन प्रूफ करना है, सबसे पहले आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा, यह फंक्शन 1-1 एंड आन टू प्रूफ करना पड़ेगा। तो बात करते हैं 1-1 एंड आन टू की। यहाँ से यहाँ तक ये जो है आपने कहाँ पढ़ा था, एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन आपने सिंप्लीफाई किए थे 1-1 एंड आन टू के। तो आपको ये भी पता है कि एक्सरसाइज 1.2 में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे तो सबसे पहले क्या लिखते थे, मैपिंग एंड फंक्शन की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन 8 सॉल्व करके दिखा रहा है। तो आपको ये भी पता है 1.3 अगर आपको सही से पढ़ना है एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन आपको समझना है, तो पहले आप क्या करो, एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करो, तभी आपको एक्सरसाइज 1.3 समझ में आएगी। क्योंकि 1.3 के जो क्वेश्चन हैं वो किसके रिलेटिव हैं, एक्सरसाइज 1.2 के। जैसे क्वेश्चन आपको 1.2 में 1-1 एंड आन टू फंक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वैसे ही आपको यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 में भी आपको फंक्शन प्रूफ करना है 1-1 एंड आन टू। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, मैपिंग एंड फंक्शन की वैल्यू, जो आपको एक्सरसाइज 1.2 में हमने बताया था। तो यहाँ पर मैपिंग और फंक्शन की वैल्यू आपको लिखना है। तो इसका सॉल्व देखो आप लोग, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द गिवन मैपिंग, मैपिंग आपको दिख रही है एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू, फिर बाद में जो सेट है 4, ∞, वही आपको लिख लेना है, एफ सच दैट आर प्लस टेंस टू 4, ∞। फिर आपको मैपिंग के अपोजिट ही फंक्शन की वैल्यू लिखना है। तो मैपिंग में फंक्शन आपको क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है, तो आपको फंक्शन एफ की ही वैल्यू लिखना है। तो क्वेश्चन में गिविन मिलेगी, देखो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एफ एक्स इक्वल कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस का 4। तो फंक्शन की वैल्यू वेरिएबल एक्स में गिविन है, तो वेरिएबल एक्स में ही आपको यहाँ पर लिखना है एफ एक्स इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस का 4। ठीक है, अब ये हम रफ कर देते हैं, ये तो जानकारी आपको हमने बता दी है। अब आपको यहाँ पर देखना है जो मैपिंग है और फंक्शन की वैल्यू लिखी है, अब आपको इसके आगे कैसे सॉल्व करना है, एफ 1-1 एंड आन टू कैसे प्रूफ करोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे, आपको तो पता है किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व होगा। आपने एक्सरसाइज 1.2 में क्या सीखा था, दो टाइप सीखे थे, वही दो टाइप यहाँ पर भी आपको सीखना है, और एक टाइप से ये क्वेश्चन 8 सॉल्व हो जाएगा। देखो हम आपको हर क्वेश्चन में बताते थे एक्सरसाइज 1.2 में दो टाइप, यहाँ पर भी आपको सीख लेना है। बार बार जब तक हम सिखाते रहेंगे, जब तक आपके दिमाग में बस नहीं जाते हैं, जब आपके दिमाग में बस जाएंगे, हम ये वादा करते हैं आपसे, आपके ही मैथ इंटर में 100 में 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, सपना देखो 100 का तो 100 आएंगे, इतना याद रखना, 80, 85, 70, 75, इतने मार्क्स लाने के लिए हम यूट्यूब पर नहीं पढ़ा रहे हैं। मेरा सपना यही है कि आप लोग 100 का सपना देखो, जिसमें 100 में 100 मार्क्स आएँ। तो जैसा बता रहे वैसा ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करो, हम ये वादा करते हैं आपसे, आपके ही 100 में 100 मार्क्स आएंगे। ठीक है, चैनल से जुड़े रहिए, चैनल का नाम पता ही आपको, वाईफाई सक्सेस क्लासेस। तो यहाँ पर आपको दो टाइप बताए थे, यहाँ पर भी यूज हो जाएंगे एक्सरसाइज 1.3 में। देखो पहला टाइप देख लो आप लोग, सेट, फाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में आपको सेट क्या दिख जाए, फाइनाइट सेट दिख जाए, तब आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, आप लोग देखिए, देन सॉल्व वाई क्वेश्चन, देन सॉल्व वाई क्वेश्चन यूज एरो डायग्राम, एरो डायग्राम से ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। कब करना है, जब सेट आपको गिविन मिल जाए क्वेश्चन में, फाइनाइट सेट, तो आपको यूज करना है टाइप एरो डायग्राम। अब सेकंड टाइप देख लो, सेट इनफाइनाइट सेट। अगर क्वेश्चन में आपको सेट कैसा दिख जाए, इनफाइनाइट सेट दिख जाए, तब आपको क्वेश्चन
किस टाइप से सॉल्व करना है, यहाँ पे लिख कर दिखा देते हैं। देन सॉल्व बाई क्वेश्चन, यूज फार्मूले, फार्मूले से ही आपको सॉल्व करना है। जब आपको क्वेश्चन में सेट कैसा दिख जाए, इनफाइनाइट सेट दिख जाए, तो यहाँ पर देख लेना मैपिंग में जो R प्लस है यहाँ पर आपको बता दिया है, जीरो या जीरो से आगे की वैल्यू लेना है, तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। तो ये क्या है, पहला सेट इनफाइनाइट सेट है। सेकंड आपको देख लेना है, ये भी सेट है, मीन्स इंटरवल है, तो फोर या फोर से ग्रेटर वैल्यू आपको लेना है। ये इंटरवल आपको रियल नंबर ही शो करते हैं। जब आपने फोर या फोर से ग्रेटर वैल्यू ली तो कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं लेंगे लेकिन इनफाइनाइट के नियरेस्ट भी हम लेंगे। तो फोर या फोर से ग्रेटर, इसका मीन्स है फोर फाइव सिक्स सेवन या डेसिमल 4.1 4.6 7.1 10.1 ऐसे करके वैल्यू इसमें ले सकते हो। तो मीन्स है ये भी इनफाइनाइट सेट है। तो पहले जो सेट लिखा है वो भी इनफाइनाइट सेट है, बाद में जो सेट लिखा है वो भी इनफाइनाइट सेट है। तो आपको क्वेश्चन किस टाइप से सॉल्व करना है, सेकंड टाइप से, मीन्स फार्मूले से ही आपको 1-1 एंड R2 फंक्शन प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसको हम रफ कर देते हैं, इतनी जानकारी आपको हमने दे दी है। अब आप लोगों को ये पता चल गया है कि 1-1 एंड R2 फंक्शन हम फार्मूले से ही प्रूफ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, 1-1 प्रूफ करेंगे। फार्मूला आप लोग जानते हो, फार्मूला यूज करेंगे fx1 इक्वल fx2, ठीक है। यहाँ पर आपने ये फार्मूला यूज किया किसके लिए, 1-1 के लिए, ठीक है। अब आपको ये पता है कि जब ये फार्मूला हम यूज करते हैं तो इसे आगे सिंप्लीफाई करेंगे, लास्ट लाइन आपको पता हो, तो इसे हम रफ कर देते हैं। अब आपको लास्ट लाइन बताएंगे कितनी आपको लाना है, पहले से ही आपको बता देते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो यहाँ पे लास्ट लाइन x1 इक्वल x2 फॉर एवरी x1 कामा x2, ये दो एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, जो पहले सेट है उसी में बिलोंग करेंगे। यहाँ पे लिख लेना है R प्लस, तो पहले सेट में बिलोंग करेंगे। क्यों करेंगे, आपको पता है कि 1-1 के लिए जो सेट होता है पहला, इसी को यूज करते हैं, और ये सेट x की वैल्यू जो है इसमें ले सकते हो या x की आंसर शीट इसमें बिलोंग होगी, ठीक है। तो पहला सेट हम यूज किसके लिए करेंगे, 1-1 जब हम फंक्शन प्रूफ करेंगे। तो लास्ट लाइन आपको बता दिए इतनी ही आएगी जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन फिर आपको ये दिख रहा है इक्वल, फिर इक्वल चेक करना है। अगर इक्वल आएगा तो 1-1 फंक्शन होगा, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आएगा तो 1-1 फंक्शन नहीं होगा। तो आपको ये भी पता है क्वेश्चन में क्या बताया, प्रूफ करना है इनवर्टिबल फंक्शन, तो प्रूफ करना है तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा, क्यों, इक्वल आएगा तभी तो 1-1 फंक्शन होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर देखना है लास्ट लाइन पहले यहाँ पर हम लाएंगे, तो सिंप्लीफाई करेंगे, fx1 की वैल्यू यहाँ से रखो तो x1 स्क्वायर प्लस का 4 इक्वल, अब fx2 की वैल्यू यहाँ से रखो तो x2 स्क्वायर प्लस का 4। तो आपने क्या देखा, इक्वल के इस साइड, उस साइड और इस साइड क्या है, प्लस का 4 कैंसिल, क्योंकि एक जैसे टर्म होते हैं कैंसिल हो जाते हैं। फिर जो बचेगा वही आपको लिखना है, क्या बचा, एक्स स्क्वायर इक्वल x2 स्क्वायर। अब आपको पता है कि पावर क्या है, इक्वल में सेम है, यहाँ पर भी पावर 2 है, यहाँ पर भी पावर 2 है, कहीं ना कहीं आपने सीखा होगा 10th, 9th, 8th, 7th में आपने स्क्वायरिंग बोथ साइड किया होगा। कभी कभी क्या होता है, हम जरूरत पड़ती है तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, पावर 2 का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पावर हटाना है। तो जैसे आप स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखते हो वैसे ही आपको पावर भी हटा लेना है, तभी तो ये लास्ट लाइन आएगी। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से पावर हटा लेंगे, तो x1 इक्वल x2, फिर आपको क्या करना है, यही लाइन पूरी लिख लेना है, x1 कामा x2, ये दो एलिमेंट R प्लस में ही बिलोंग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बॉक्स ले लेना है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इक्वल ही आएगा तभी तो 1-1 फंक्शन होगा, लेकिन यहाँ पर इक्वल कैसे आया आपको बता देते हैं, फार्मूला यूज किया, सिंप्लीफाई किया, यहाँ पे इक्वल आ गया। अभी ये क्लियर नहीं है इक्वल आएगा या नहीं, लेकिन ये आपको क्लियर है क्वेश्चन एट में इक्वल ही आएगा, क्यों, आपको प्रूव करना है इनवर्टिबल फंक्शन। जब प्रूव करना है इनवर्टिबल फंक्शन तो फंक्शन 1-1 जरूर प्रूव करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे इक्वल ही आएगा। तो आपको चेक करना है इक्वल कैसे आया, देखो
हम आपको जैसा बता रहे हैं वैसा ही आप लोग चेक करना है। पहला सेट 1-1 के लिए यूज़ करते हैं, यहाँ पे क्या लिखा आर प्लस, तो आप एक वैल्यू 0 ले लो, एक ले लो 1, डेसिमल की ना लो, ठीक है, दो वैल्यू ले लो, दो वैल्यू से ही आपको हम बता देंगे यहाँ पर इक्वल कैसे आया। वैसे आप लोगों को पता है ये इनफाइनाइट सेट है, तो इनफाइनाइट सेट है बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पे काम नहीं करेंगे, दो वैल्यू पर काम करेंगे। हम ये वादा करते हैं आपसे दो वैल्यू से ही यहाँ पर चेक हो जाएगा इक्वल कैसे आया। देखो पहले हम एक्स की वैल्यू 0 ले लेते हैं पहले वाले सेट से, जो आपको फिक्स वैल्यू बता दी है। अब आपको क्या करना है, ये एक्स की वैल्यू 0 यहाँ पर रखना है, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करना है, 0 का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल, सिंप्लीफाई करेंगे 4 मिलेगा, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आप क्या ले लो, पहले वाले सेट से 1 ले लो, ठीक है, एक्स की वैल्यू हम 1 यहाँ पे रखेंगे, मीन्स फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस का 4, सिंप्लीफाई किया तो कितना मिला 5। अब यहाँ पे ETC लिख देना, ETC क्यों लिखते हैं, अदर वैल्यू के लिए, आपको पता है ये इनफाइनाइट सेट है तो बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू के लिए ETC लिखो, दो वैल्यू पर आपको काम करना है, ठीक है, दो वैल्यू से ही पता लग जाएगा यहाँ पे इक्वल कैसे आया। अब ये आंसर शीट देखना है, यहाँ पे दो आंसर शीट निकाली है ना, देखो यहाँ पर आंसर शीट आपको क्या दिख रही है, डिफरेंट, जब डिफरेंट दिख रही है यहाँ पर इक्वल ही आएगा, इक्वल आएगा तो 1-1 फंक्शन होगा। अगर आपको आंसर शीट बाई चांस यहाँ पर सेम टू सेम आंसर शीट दिख जाती है तो यहाँ पर क्या होता, नॉट इक्वल, नॉट इक्वल आता तो 1-1 फंक्शन नहीं होता, लेकिन आंसर शीट आपको क्या दिख रही थी 4 और 5 डिफरेंट आंसर शीट, तो यहाँ पर इक्वल ही आएगा, तो इक्वल आएगा तो 1-1 फंक्शन होगा। तो डायरेक्ट आपको लिख देना है यहाँ पे f क्या है, 1-1 फंक्शन, तो लिख देना f इज ए 1-1 फंक्शन। फिर इसके बाद आपको क्या लिखना, फ्रॉम के बाद में क्या लिखोगे, जो मैपिंग में सेट गिविन होते हैं वही आपको लिखना है, आर प्लस 2, फिर ये लिखना है इंटरवल 4, इनफाइनाइट। तो आपने फंक्शन प्रूफ कर दिया 1-1 फंक्शन। अब ऑन टू फंक्शन की बात करेंगे, ठीक है, तो इसे हम रफ कर देते हैं, इतना लिखना आप लोग, ठीक है। अब आप फार्मूला ऑन टू के लिए यूज करेंगे, ये हम रफ कर देते हैं, आप लोग नोट कर लेना इसे। अब फार्मूला हम यूज करेंगे ऑन टू फंक्शन प्रूफ करेंगे, तो फार्मूला आप लोगों को पता है y=fx, ठीक है। और ये फार्मूला दो आंसर शीटें बता देता है, ए पहले तो आंसर शीट आपको बताएगा कि x की वैल्यू y के टर्म में निकालो, सेकंड जो आंसर शीट है f इनवर्स के, तो ये फार्मूला f इनवर्स भी फाइंड करेगा। देखो कैसे, f को जब इस तरफ लाएंगे तो f इनवर्स y = क्या होगा x, इसे इक्वेशन फर्स्ट डालो, इसकी जरूरत पड़ेगी, ये सेकेंड आंसर शीट है, ठीक है। अब इस फार्मूले को आगे हम बढ़ाएंगे, मीन सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यू y के टर्म में निकालेंगे। देखो कैसे, हम आपको बता देते हैं, y = fx की वैल्यू रखो x² + 4, अब यहाँ से x की वैल्यू निकालो y के टर्म में, 4 को इस तरफ लाएंगे, ट्रांसफर करेंगे, प्लस का 4 है माइनस का हो जाएगा, इक्वल x², तो x = y - 4, ठीक है। अब यहाँ पे बिलोंग्स टू आएगा या नॉट बिलोंग्स टू आपको चेक करना है, अगर बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा, अगर नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। लेकिन आपको क्या करना है, प्रूव करना है इनवर्टिबल फंक्शन, तो ऑन टू फंक्शन जरूर प्रूव करोगे, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, बिलोंग्स टू ही आएगा। अब बिलोंग्स टू आएगा, बिलोंग्स टू के बाद में आपको सेट लिखना है पहले वाला, क्योंकि x की आंसर शीट जो है वो किसे में बिलोंग करेगी, पहले ही सेट में करेगी, आर प्लस में बॉक्स ले लेना है। अब ये आपको बताना है बिलोंग्स टू कैसे आया, ठीक है, जैसे 1-1 के लिए आपको चेक करवाया था ना इक्वल कैसे आया, तो ऐसे ही आपको बिलोंग्स टू भी चेक करना है। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, 1-1 जो है प्रूव करेंगे, तो बाद वाला जो सेट है, बाद वाला ये यूज होता है 1-2 के लिए, ये बाद वाला सेट किसके लिए यूज होता है, 1-2 के लिए, तो ये बाद वाला जो सेट है वाई की वैल्यू हम यहीं से लेते हैं, तो अब आपको y की वैल्यू यहाँ से ले लेना है। यहाँ पे हम बता देते हैं वैल्यू आप कौन सी ले लो, आपको पता है ये क्या है, इनफाइनाइट सेट है, इंटरवल है ना, इनफाइनाइट सेट, तो यहाँ से आपको दो वैल्यू लेना है, 4, 1, 5 लेना है, क्योंकि इनफाइनाइट है ये सेट, क्या है इनफाइनाइट सेट, बहुत सारी वैल्यू मिलेंगी, तो बहुत सारी वैल्यू पर काम नहीं करेंगे, 4 और 5 दो वैल्यू पर काम करेंगे, और दो वैल्यू से ही हम ये वादा करते हैं आपसे
यहाँ पे बिलोंग्स टू बता देंगे। कैसे आया, देखो बाई की वैल्यू पहले 4 ले लो बाद वाले साइड से, जो आपको फिक्स वैल्यू बता दिए हैं, ठीक है। अब बाई की वैल्यू 4 यहाँ पे रखो, मीन्स यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ था। क्या हुआ था कि एक्स की वैल्यू निकाली थी रूट वाई माइनस 4 ही निकलेगी, ठीक है। वाई की वैल्यू यहाँ पे रखो तो एक्स की आंसर ही निकालो, तो सिंपलीफाई करेंगे कितना मिलेगा 0, ठीक है। अब 0 जो है एक्स की आंसर शीट आई है, तो 0 इसमें बिलोंग करेगी आर प्लस में, करेगी, क्योंकि 0 जो है पहले हमने यहाँ पे बताया आपको, 0 से आगे, 0 या 0 से आगे पॉजिटिव वैल्यू लेना है, तो ये आर प्लस में ही बिलोंग करेगी, ठीक है। अब बाई की वैल्यू क्या लेना है आपको, बाद वाले साइड से 5 ले लो, ठीक है, आपने 5 ले ली। अब एक्स की आंसर शीट निकालो, यहाँ पे रखो बाई की वैल्यू 5, तो 5 माइनस 4 इक्वल क्या मिलेगा 1, सिंपलीफाई किया तो 1 मिला, तो एक्स की आंसर शीट क्या मिली 1। ये एक्स की आंसर शीट 1 जो है पहले वाले साइड में बिलोंग करेगी, करेगी, क्योंकि 1 जो है रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। अब आपको यहाँ पे ETC लिख देना है। ETC क्यों लिखते हैं आपको पता है, हम इसलिए ETC लिखते हैं अदर वैल्यू के लिए। हमने क्या बताया, दो वैल्यू पर ही आपको बता देंगे बिलोंग्स टू कैसे आया। देखो अब आंसर शीट आपने एक्स की 0 निकाली, एक्स की 1 निकाले, तो 0 भी आर प्लस में बिलोंग करेगा, 1 भी करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी बिलोंग्स टू, यहाँ पर भी बिलोंग्स टू, दो जगह आपको बिलोंग्स टू दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बिलोंग्स टू ही आएगा। अगर बाई चांस आपको यहाँ पर नॉट बिलोंग्स टू दिख जाता तो यहाँ पर क्या आता, नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है, इतना याद रखना। तो नॉट बिलोंग्स टू आता तो ऑन टू फंक्शन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर आपको बिलोंग्स टू दोनों जगह दिख रहा है, तो यहाँ पर बिलोंग्स टू ही आएगा। जब बिलोंग्स टू आएगा तो ऑन टू फंक्शन होगा। तो आपको डायरेक्ट क्या लिखना है, एफ जो है फंक्शन ऑन टू है, एफ इज ए ऑन टू फंक्शन। फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना है, जो मैपिंग में साइड गिवन होते हैं वही आपको लिखना है, आर प्लस टू इंटरवल लिखो 4, ∞। तो यहाँ तक जो है आपने ऑन टू प्रूफ कर दिया, तो ऑन टू प्रूफ कर दिया है, तो फंक्शन 1, 1 भी आपने प्रूफ कर दिया और ऑन टू भी प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आपको मिक्स करके लिखना है, जैसा हम बता दें वैसा ही आपको लिखना है। देखो इसे हम रफ कर देते हैं, आपको क्या लिखना है, 1, 1 एंड ऑन टू, जैसे यहाँ पे लिखा ऐसे करके आपको लिखना है। जब आपको मिक्स करके लिख देना है तभी आपको डायरेक्ट बता देना है एफ इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। देखो कैसे, एफ इज ए 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन फ्रॉम के बाद में आपको क्या लिखना, जो मैपिंग में सेट गिवन होते हैं वही लिखना, आर प्लस टू इंटरवल लिखो 4, ∞, ठीक है। अब जब यह फंक्शन क्या है, 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन है, तो एफ क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। पहला वीडियो जरूर देख लेना, वहाँ पे रूल बताए हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था, ठीक है। तो डायरेक्ट आपको लिख देना, हेंस एफ इज ए इन्वर्टिबल फंक्शन। फिर इसके बाद क्या लिखना, फ्रॉम के बाद में मैपिंग में जो साइड गिवन होते हैं वही लिखना है, आर प्लस टू इंटरवल लिखो 4, ∞। अब आपको सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट तो हो गया सॉल्व, सेकंड पार्ट में आपको एफ इनवर्स की आंसर शीट फाइंड करना है। देखो जो हमने फ्रॉम इक्वेशन पहले हमने इक्वेशन डाल दिया था उसी का यूज करेंगे, वाई इक्वल मीन्स एफ इनवर्स वाई इक्वल एक्स, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर x की वैल्यू रख देना है, जो x की वैल्यू आपने निकाली थी, तो यहाँ पे क्या करेंगे देख लो आप लोग, पुट x इक्वल वाई माइनस 4, यही निकाली थी ना पहले, यही x की वैल्यू रख देना है इन इक्वेशन फर्स्ट, इसमें रखो, तो f इनवर्स y इक्वल वाई माइनस 4, तो ये आंसर शीट जो है सेकंड जो है एफ इनवर्स की निकाल ली है। तो रूट में वाई माइनस 4, देखो मैचिंग करो, सेम टू सेम है। यहाँ पर अगर प्रूफ दैट ना होता तो हम एक आंसर शीट और बताते हैं एफ इनवर्स के,
ये तो आंसर हिट बाई के टर्म में है, तो x के टर्म में भी आपको बताते हैं। जैसे हम आपको बता देते हैं y इज रिप्लेस y x, इसका मीन्स है कि y के स्थान पर आपको x रखना है, तो x माइनस फोर। तो ये सेकेंड आंसर शीट जो है एफ इनवर्स की ही है, सेम टू सेम है। ये तो वेरिएबल y में है, ये वेरिएबल x में है, लेकिन यहाँ पे प्रूफ दैट है, तो इसीलिए आपको यहीं तक सॉल्व करना है, इसे ना लिखना, ठीक है। इसे हम रफ कर देते हैं। ये तो आपको जानकारी के लिए बता दिया कि एफ इनवर्स की आंसर शीट y के भी टर्म में आती है और x के भी टर्म में आती है। तो यहाँ पर देख लीजिए, ये क्वेश्चन जो है 8 सॉल्व हो गया कम्प्लीट। अब आपको नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 9 सॉल्व करके दिखाएंगे। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। इसमें आपका ही फ़ायदा है, ठीक है। मेरा तो ये फ़ायदा है, मीन्स हमें ये खुशी मिलेगी कि आपके मैथ इंटर में 100 में 100 मार्क्स आएँ, ठीक है। तभी कहते हैं बेल आइकन जरूर प्रेस कर दिया करो और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया करो, क्योंकि इसी चैनल से आपका भविष्य बनेगा, ये मेरा आपसे वादा है। अगर मैथ इंटर में 100 में से 100 आपके ना आए तो कहना आप पूरी साल इस चैनल से जुड़े रहिए।